सारा असाइनमेंट हम लोग आज करेंगे, राइट? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम असाइनमेंट वन. ओके, सो इट्स क्वाइट सिंपल. ऑल द प्रोग्राम्स सीम्स टू बी वेरी सिंपल. ओके, लाइक यू हैव टू प्रिंट दिस वन, यू हैव टू प्रिंट योर नेम, यू हैव टू प्रिंट द टीचर्स डे, यू हैव टू टेक द वेरिएबल एंड देन in that variable you have to store some data and you have to print out that variable, and similar like this you have to take the three value in the different line, you have to print something like that. Isko chhod raha hu, ye type your id, second wala assignment bhi ho jayega. I think third wala dekho aasan hai, fourth bhi aasan hai. Bolna tum log, मैं रुकूंगा. फोर्थ दिखाई ना, फोर्थ. एक काम करूं, नहीं तो शुरू से असाइनमेंट आज सॉल्व करूं फटाफट. सब किए हैं, सब किए हैं, सिर्फ लास्ट वाला असाइनमेंट बाकी है. पाइथन स्क्रिप्ट ये हो गया, ठीक है. हाँ चलो, असाइनमेंट फोर आ गया. देखो, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट अ नंबर into the str type. Write a python to number bataiye, convert a number. Okay, convert a number into str type. Ye to aasan hai, str function mein dal denge. Teen number kya bol raha hai? Write a python script to unicode the character m. To m ka bol raha hai ki character kya hoga, unicode karke bataiye m ka. So let me show you. Theek hai, what I will do, I will simply create a variable a, if here you can create a variable x, and in that x you will call ord functions. I have told you, and ord functions what you will pass, you will pass m, and simply you will print what x. It will give the unicode of the character m. Ye m ek character hai, uska ye unicode dal dega. Let me run it and show you. Hai na, it is giving the name error. You know why? Because in the ord functions it always takes integer in the integer form, not integer form, in the str form. So you have to give this quotation, single quotation, so it will understand that m is a what, character, because you have to put the character, because unicode to character ka hi hota hai na. To yahan pe character ke form mein dena padega, aur wo jis उसका जो यूनिकोड होगा वो एक्स में स्टोर हो जाएगा, एंड देन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो अगेन लेट मी रन इट. नाउ इट इज गिविंग 109. इट मींस व्हाट, द यूनिकोड ऑफ द कैरेक्टर एम इज व्हाट, 109. ठीक है, ओआरडी क्या है? ओआरडी एक फंक्शन है जो हमें बताता है कि किसी भी कैरेक्टर का यूनिकोड क्या होता है, मतलब हर कैरेक्टर का, जितने भी कैरेक्टर्स हैं कीबोर्ड में, ठीक है, हर कैरेक्टर्स का कुछ ना कुछ यूनिकोड होता है, मतलब वो पहले से ही वो डिसाइड किया गया है. और वो यूनिकोड किस फंक्शन से निकालते हैं, ओआरडी एक फंक्शन से, उसके अंदर वो चीज डाल दो तो तुम्हें वो कैरेक्टर निकल जाएगा. मतलब हर फंक्शन का एक यूनिक, मतलब एक यूनिक कोड होता है, और उस कोड को निकालने के लिए, जानने के लिए कि इस कोड का, मतलब इस कैरेक्टर का पर्टिकुलर कोड क्या है, एक्चुअल में रखा गया है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जानने के लिए ओआरडी फंक्शंस यूज करते हैं, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये बताए थे किसी दिन, हम तुम शायद उस दिन एब्सेंट हुए होंगे. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट एनी नंबर एंड इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. तो बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, BIN फंक्शंस बोले थे, है ना, BIN फंक्शंस. लेट मी शो यू. लेट x इक्वल टू 5 एंड वी वांट्स टू नो दैट व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द वैल्यू 5. तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली कॉल व्हाट, क्रिएट अ वेरिएबल, एंड इन दैट वेरिएबल वी विल स्टोर्ड द बाइनरी BIN, and in that we will pass x. So these functions will create
द बाइनरी ऑफ एक्स, और वो रिटर्न होके ए में चला जाएगा और फाइनली वी विल प्रिंट ए. सो नाउ वी विल रन इट. देखो ये दिखाया, ये बाइनरी फॉर्म है 5 का, 101. ये 0b क्या दिखाता है? ये 0b दिखाता है ये बाइनरी फॉर्म में है. इसका बाइनरी फॉर्म सिर्फ इतना ही होता है 101, है ना, 0b बाइनरी रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, सिंपल. ऑक्टल के लिए भी सिंपल है, bin बाइनरी के लिए, ऑक्टल के लिए oct. और इसको रन करो, है ना, तो ये दिखा गया 5 का ऑक्टल 5 ही होता है. 0o किस लिए दिखा गया? कि ये ऑक्टल बता रहा है कि दिस नंबर इज एक्चुअली इन अ ऑक्टल फॉर्म. 0b इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट 10, दिस इज द दिस नंबर इज व्हाट इन अ बाइनरी फॉर्म. सो इट्स सिंपल द रिप्रेजेंटेशन एंड नथिंग एल्स. एंड अगेन इन द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इट इज टेलिंग टू हेक्साडेसिमल. For the hexadecimal, we have a function's word, hex, and it will convert the hexadecimal form of 5. And let me run it. Simple, 0x5. So 0x for what? It is representing that the number is in what? The number is in hexadecimal form. एंड 5 का हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होता है? 5 ही होता है. तो ये 3 फंक्शंस था, है ना, तो उसी के बेसिस पे था. असाइनमेंट 5 देखो. असाइनमेंट 5 में राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू टेक द टू नंबर फ्रॉम द यूजर्स एंड कैलकुलेट देयर सम एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. कोई प्रॉब्लम? हाँ ना, करते चलो आगे, मैं बढ़ता चलूंगा. दोनों में से किसी को प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन ही करेंगे ज्यादा. Write a Python script to calculate the area of a length, area of a rectangle, length and breadth. वो यूजर से लेना है. ये सारा मैं करूँ एक एक करके या फिर स्किप करूँ? स्किप कीजिए. स्किप करो, जिसमें दिक्कत होगा बोलना. एक बार मैं पढ़ते जाता हूँ. Write a Python script to calculate the simple interest and needful data should be taken from the users. तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना. प्रिंसिपल इंटरेस्ट और टाइम ले लेंगे यूजर से और एक कैलकुलेशन करा लेंगे p into r into t by 100. Write a python script. 5. Write a python script to take a character from a user and display its unicode. है ना? बताया था उसी ना. हाँ, same उसी टाइप से बनेगा. Just let me do it. लेकिन यहाँ पे यूजर से लेना है. तो what you will do? You will create a variable x and index you will in x you will ask the users what input, enter any character. You will ask enter any character. The user will what? Characters. The user will put some characters and it will go where? It will go in x. And simply now what you will do? You will print, you will take the another variable a, and inside a you will keep the unicode of what? X, right? Unicode of x. वो x का unicode इस पे रख देंगे और finally हम a को print करा देंगे. Run करता हूँ. Enter any character. तो किसका ले लूँ? M का ही ले लेते हैं. यहाँ पे M का 109 दिखाया था ना, तो M ही ले लेता हूँ, है ना. यहाँ पे दिखा दिया enter any character M. M का 120 दिखा रहा है ये यूनिकोड. अच्छा, वो पहले किसका मैं ले रहा था? ये M का ही लिया था ना, तो 109 अभी 120 क्यों दिखा रहा? ये 109 M का ही था ना यूनिकोड. हाँ, चेंजिंग क्यों दिखा रहा है? ये 120 दिखा रहा है यहाँ पे. ऐसा क्या? अलग अलग टाइम अलग अलग चेंज करूं? ऐसा तो नहीं होनी चाहिए. यूनिकोड तो सेम रहता.
अच्छा लेट मी रन इट अगेन, ओआरडी यहीं पे मैं कर लेता हूँ, ओआरडी एम। यहाँ पे दिखाया, लेकिन मैं जब ये फंक्शंस बना के इसे कॉल कर रहा हूं तो इट इज गिविंग मी 120। लेट मी रन इट अगेन, इंटर एनी कैरेक्टर, सो आई एम एंटरिंग एम, 120 इट इज गिविंग। लेट मी रन इट अगेन, इंटर एनी कैरेक्टर, सो आई एम गिविंग इन अ स्ट्रिंग फॉर्म। ओके again it is showing 120. What is the reason? There might be a reason that I don't know, that why it is showing something different. Will both of you can guess it, why it is showing something different? Because Unicode to sare ka same hi hona chahiye, ye alag kyun dikha raha hai? स्ट्रिंग तो गया एक्स में, हमने चेंज किया ओआरडी फंक्शंस, उसे पुट कर लिया एक्स में, प्रिंट करा दिया एक्स को, ठीक तो किया है, एंड व्हाई इट इज शोइंग समथिंग डिफरेंट। अच्छा मुझे समझ में आ गया, पता है गलती कहां पे हुआ था? देखो हमने यहां पे डाला था एक्स, इस तरीके से डाला था ना, तो ये एक्स का ओआरडी दिखा रहा है, ए में ये कैरेक्टर ही हम डाले एक्स, अगर यदि सिर्फ ये मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही एक्स को डाल दिए थे, तुम यहां पे देखो मैं कर रहा हूं ओआरडी ऑफ एक्स, तो देखना 120 दिखेगा, 120 दिखा ना। तो ये प्रोग्राम में हम क्या किए, यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दी, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक्स को डाल दिए, तो ये एक्स का ओआरडी बता रहा है, एम का नहीं बता रहा है, तो एक्स में एम है तो यहाँ सिंपली एक्स लिखो, और लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स में ऑलरेडी एम है, स्ट्रिंग फॉर्म में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब रन करो, यू विल से एम, तो इट विल सो व्हाट 109, देखो दिखा ना। तो ये गलती कहाँ पे थी पता है, यहाँ पे x को हमने पास कर दिया था स्ट्रिंग के फॉर्म में, x को ही पास कर दिया था स्ट्रिंग के फॉर्म में, लेकिन अब x को सिर्फ सिंपली पास किए x, तो ये x बता मतलब बोल रहा है कि मेरे अंदर m है, उस m को चेंज करो ना कि मुझे, और x को अगर यदि कोटेशन के साथ मैं इसमें पास कर दूं तो ये तो 120 दे देगा, तो ये x का यूनिकोड है 120, है ना। यहाँ पे आप तुम करो m करो कुछ भी लो, लेकिन वो देगा 120 ही देगा, क्यों? क्योंकि वो x का बता रहा है, x में क्या है उसका नहीं बता रहा है, तो this is the difference। ये समझ में आया या नहीं? ठीक है। Now the another next question is what? Write a Python script to convert a decimal to the binary। ये simple है, ये function से use कर लेना। Write a Python script to calculate the volume of a cuboid। ये भी simple है ना? Length, breadth, height ले लो और वॉल्यूम निकालना कौन बड़ी बात है। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ थ्री नंबर, बनेगा कंप्लीटेड? हाँ। नेक्स्ट मूव, ठीक है। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, बोलना दोनों को बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते जाऊंगा। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, ये भी आसान है। कैसे कैसे करूंगा कि एक नंबर लेंगे उसको डिवाइड कर लेंगे, है ना, रिमाइंडर वाला कर लेंगे तो लास्ट डिजिट निकल जाएगा। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू गेट द लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, सबसे लास्ट डिजिट तुमको बताना है, लाइक ये वाला 9। ये सब करूं, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड एक्स पे पावर वाई व्हाइल द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी गिवन बाय द यूजर्स। असाइनमेंट 6 से मैं करता हूं फटाफट। तो पहले में क्या बोला, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, सपोज x में ले लो कुछ भी ले लो, 5456 ले ली, तो व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल सिंपली x इक्वल टू सॉरी यू विल टेक y इक्वल टू x
x mod 10. तो इसपे स्कोर हो जाएगा यूनिट वैल्यू, x पे 6 जाके स्टोर हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 6 ही निकलेगा, ठीक है। और मुझे इसको हटाना है तो एक काम करो ना, डिवाइड ही कर दो ना, काम खत्म हो जाएगा। प्रिंट y, उसको रन करके देखता हूँ तो 45 मुझे दिखना चाहिए, 45 दिखा ना। तो क्या किया, ये डबल डिवीजन कर दिया, मतलब ये इंटीजर फॉर्म को लेगा, तो 10 को डिवाइड करो 450 से, देखना उसका परसेंट 45 ही आएगा, है ना। तो ये 6 हट जाएगा, तो ये था तुम्हारा क्या वन नंबर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाता हूं। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू गेट द लास्ट नंबर ऑफ ए, लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, सपोज मान लो एक्स इक्वल टू 456 था, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिंट, यू हैव टू प्रिंट ओनली व्हाट, यूनिट डिजिट, सबसे यूनिट डिजिट निकालना है। तो तुम क्या करो, उसका रिमाइंडर निकाल दो 10 से डिवाइड करके। तो जैसे ही रिमाइंडर 10 से डिवाइड करोगे ना, तो पहला वाला रिमाइंडर उसी में चले जाएगा वाई में, और प्रिंट करा दो वाई, प्रिंट करा दो वाई, देखो 6 दे दिया 456 में, तो यूनिट डिजिट वही तो बोल रहा था। अब यूजर से लेना है तो सिंपल, यहाँ भी इसको हटाएंगे और यहाँ पे यूजर से ही ले लेंगे, इंट इनपुट इंटर इंटर एनी नंबर, यूजर कुछ भी डाले लेकिन होगा वही जो निकलेगा, वही प्रिंट होगा वही जो यूनिट डिजिट में रहेगा। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, है ना, एंटर एनी नंबर, हम बहुत बड़ा नंबर डाल दिए 7 8 9 6 4 5 6 1 2 3, तो आंसर इसका आना चाहिए यूनिट डिजिट में क्या है 3, आंसर इसका 3 आया, है ना, भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 2। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड एक्स टू द पावर वाई, और बोला एक्स और वाई का यूजर से वैल्यू लो, तो किस तरीके से करेंगे, यहीं पे इसको कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन। तो एक्स का वैल्यू तो यूजर से ले ही लिए, तो वाई का भी वैल्यू ले लेते हैं, एक्स इंट इनपुट इंटर सेकंड नंबर इंटर द सेकंड नंबर, और यहां पे मैं कर देता हूं इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। दो नंबर्स मैंने यूजर से इनपुट कराए, ठीक है, और मैं अब क्या करूंगा, प्रिंट what I will instruct x to the power y, है ना, x to the power ठीक है x to the power y, यही था ना। तो x to the power y करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x ये डबल स्टार y, देखो ये इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है, व्हाट इज द रीजन, कैन ऑल ऑफ यू गेस, यहाँ पे छोड़ दिया था मैंने पैरेंथेसिस, लेट मी रन इट अगेन, है ना। इंटर फर्स्ट नंबर, मान लो मुझे प्रिंट करना 5 to the power 5, 5 पे पावर 5 या फिर 5 पे पावर 3, तो मैंने प्रिंट किया 5 इंटर 3, मान लो 2 ही करते हैं, 5 पे पावर 2, तो 25 आना चाहिए था ना, 25 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू स्वैप द डाटा ऑफ द 2 इंट वेरिएबल, ये तो बहुत आसान है, है ना, स्वैप द डाटा ऑफ द 2, मान लो x में कुछ आया y में कुछ आया, इसी में मैं कर देता हूँ, x कोमा y इक्वल टू y कोमा x, सिंपल है, अब प्रिंट करा दो, प्रिंट एक्स कोमा वाई, इस बार बताना मुस्कुंद तुम कि एक्स और वाई में क्या रखो, इंटर फर्स्ट नंबर बोलो, ये एक चला जाएगा एक्स में 3, इंटर सेकंड नंबर 6, तो एक्स में गया होगा 3 और वाई में गया होगा 6, लेकिन दिखाएगा उल्टा, 6 और 3 दिखाया पहले, हमने प्रिंट क्या किया था, पहले x में गया था 3
पहला नंबर 3 है और y में गया था 6 और हमने प्रिंट कराया पहले x को और x में गया था 3 और y में 6 तो जस्ट पलट गया तो स्वैप कैसे किए ये लाइन स्वैप कर दिया मतलब x में चला गया y और y में चला गया x तो स्वैपिंग के लिए बस एक स्टेटमेंट लिखो पाइथन में कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट व्हिच टेक्स द 3 डिजिट ऑफ अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ओनली मिडिल डिजिट देखो ये क्वेश्चन ऐसे सोचोगे तो आसान है लेकिन लोग इसमें क्या नहीं करते चेक नहीं करते इसमें हम चेक नहीं करते कि यूजर्स 3 ही डिजिट का करे और 3 डिजिट का ना करे तो एरर दे ठीक है तो वो तो आसान है कि प्रोग्रामिंग तो कर लोगे लेकिन चेक करो आज तो इफ वाला कंडीशन भी बना दिए हम तो अब तो चेक कर सकते हैं ना कि वो 3 डिजिट का है या फिर नहीं है ये प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है तो बस मिडिल डिजिट निकालना नहीं है तुमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि यूजर्स 3 ही डिजिट का किया है अगर यदि 3 ही डिजिट का ना किया हो तो यूजर्स को हम बोलेंगे कि 3 ही डिजिट का करो भाई 4 डिजिट वाला क्यों डाल रहे हो है ना तो वो प्रोग्रामिंग में करता हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x इक्वल टू इंट यूजर से पहले मैं क्या लूंगा इनपुट इंटर एनी नंबर यूजर विल इनपुट अ नंबर एंड दैट विल गो दैट विल असाइन टू द x नाउ व्हाट आई विल डू आई विल चेक द कंडीशन है ना मैं क्या करूंगा कितने डिजिट हैं उसको काउंट करूंगा अगर यदि 3 होगा तो कहेंगे ठीक है अब काम करो और 3 से कम या 3 से ज्यादा हुआ तो हम एरर दे देंगे बोलेंगे कि 3 डिजिट वाला है नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे तो वो चीज चेक करना है तो वो चीज थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस को बना देता है तो चेक कैसे करेंगे कि उसमें 3 ही डिजिट है चेक कैसे करेंगे उसमें 3 ही डिजिट है तो हम एक व्हाइल लूप लगा लेंगे ना एक आई इक्वल टू 0 रख दो एक वेरिएबल बना लो और व्हाइल हम बोले व्हाइल सॉरी यहीं पे व्हाइल जब तक एक्स बड़ा है 0 से तब तक सेम काम करो क्या कि y इक्वल टू एक्स मॉड 10 हर बार y में क्या लेते जाओ y में हर बार उसका रिमाइंडर को रखते चलो x जब तक 0 से बड़ा रहे तो सबसे पहले यूजर कुछ भी इनपुट करेगा उसका हम रिमाइंडर पहली बार निकालेंगे और वो चला जाएगा ठीक है रिमाइंडर निकालने के बाद हम x को क्या करेंगे x को छोटा कर देंगे x डबल डिवाइड बाय 10 मतलब यूनिट डिजिट वाला खत्म हो जाएगा जैसे 456 उन्होंने एंटर किया तो अब x 45 ही बचा 6 खत्म हो गया ये डबल डिवीजन वाला काम अभी जस्ट किए थे याद करो तो इस तरीके से नंबर घटता चलेगा और यूनिट डिजिट y पे हमेशा आता रहेगा लेकिन काउंट कैसे करेंगे कि यूनिट डिजिट कितने बार हुआ तो एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेंगे काउंट इक्वल टू 0 और जितने टाइम्स यूनिट डिजिट यहां पे आएगा हम काउंट करते चलेंगे काउंट प्लस वन देखो ये काम कैसे किया सबसे पहले यूजर्स कुछ इनपुट किया काउंट इक्वल टू 0 ये तो वेरिएबल बना है तो पहले बार वेरिएबल जैसे ही बनाया तो पहला यूनिट डिजिट वाई पे गया और जैसे ही पहला यूनिट डिजिट इस पे गया तो काउंट का वैल्यू 0 से लेकर 1 हो गया फिर x का वैल्यू को घटा दिए एक घटा दिए मतलब जैसे 456 एंटर किया था 45 हो गया फिर चेक किया क्या 45 0 से बड़ा है तो इस बार 5 इसमें गया और काउंट का वैल्यू 2 हो गया होगा है ना और फिर 45 डबल डिवाइड बाय 10 अब हो गया 4 फिर चेक किया 4 0 से बड़ा है फिर इस बार 4 चला गया और इस बार काउंट कर लिया काउंट का वैल्यू 3 हो गया होगा एंड देन 4 डबल डिवाइड बाय 10 इस बार 0 हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स हो गया इसे बाहर आ जाएगा तो काउंट का वैल्यू कितना हो चुका होगा 3 क्योंकि 3 बार रिमाइंडर गया यहां पे अब यहां पे इफ कंडीशन लगाएंगे है ना अब यहां पे इफ कंडीशन लगाएंगे और हम पूछेंगे कि क्या काउंट का वैल्यू सिर्फ 3 ही था 3 था तो 3 डिजिट होगा अगर यदि है तो काम करेंगे वो वाला है ना अच्छा अभी सिर्फ सिंपल काम करो प्रिंट यस
बाद में वो काम करेंगे. प्रिंट यस 10 डिजिट है. ये भी एक क्वेश्चन सी हो गया कि चेक करो कि कोई भी नंबर यूजर इनपुट किया तो वो 3 ही डिजिट का है या नहीं. एल्स और प्रिंट यहाँ पे कराओ नो. देखते हैं एक प्रोग्राम बन गया है एक छोटा सा. व्हाट इज द प्रोग्राम कि एक यूजर्स इनपुट किया और मुझे चेक करना था कि उसमें 3 ही डिजिट है या नहीं. ठीक है तो मैं इसे रन कर रहा हूँ. देखते हैं क्या गलती है. इंटर योर नंबर बोलो मुझको कोई भी नंबर बोलो वो बताएगा कि 3 डिजिट वाला नंबर है या फिर गलत है. 3 डिजिट का नंबर बोले कुछ भी बोलो ना वो बताएगा बस कि तुम्हारा मतलब तुम्हारा नंबर किस डिजिट का होगा तो यस बोलेगा नहीं होगा तो नो बोलेगा. कुछ भी बोलो. 11 ये 3 डिजिट का तो नंबर है नहीं इसमें 2 ही डिजिट है. मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर तो ये बोल दिया नो है ना. लेकिन ये मेरा क्वेश्चन थोड़ी ना था. मेरा क्वेश्चन क्या था कि 3 डिजिट में मुझे मिडिल वाला चीज बताना है बीच वाला नंबर बताना है बीच वाला चीज मुझे बताना है. तो अब देखो इसी प्रोग्राम में क्या करूंगा. ये 3 डिजिट वाला चीज होगा तो हम मिडिल वाला चीज बताएंगे. इसको मैं एरर कट कर रहा हूं. और अगर यदि नहीं तो यूजर्स को बोलेंगे प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर. प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर. अब देखो अब हमको इसके अंदर का काम करना है कि मुझे मिडिल वाला चीज करना है. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक वेरिएबल टेम्प्रोरी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इस टेम्प्रोरी वेरिएबल में x का वैल्यू को स्टोर करके रख लेते हैं. ठीक है और अब हम क्या करते हैं फिर से मुझे मिडिल वाला चीज करना है. तो सोच के देखो मैं कर रहा हूँ कि TEMP में टेम्प वाले वेरिएबल में वही चीज है जो यूजर्स इनपुट किया था तो वो 3 डिजिट का होगा क्योंकि 3 डिजिट वाले के कंडीशन के अंदर लिख रहे हैं. टेम्प में टेम्प को मैं करूंगा बताओ टेम्प में टेम्प को मैं डबल डिवाइड कर देता हूं तो एक नंबर घट जाएगा. 3 डिजिट वाला था तो 2 डिजिट का हो जाएगा. हमको निकालना था बीच वाला तो दूसरा नंबर था. तो अब देखो अब मैं कर रहा हूं क्या टेम्प इक्वल टू अब रिमाइंडर निकाल दो तो वो सेकंड वाला चीज निकल जाएगा ना. टेम्प रिमाइंडर n ये सब बार बार करना कॉपी में लिख के तो समझ आएगा. अब प्रिंट करा दो टेम्प. मेरा प्रोग्राम बन चुका है. अब तुम कुछ भी बोलो एक सही प्रोग्राम एक बन गया ये बोल सकते हो. जैसे कोई नंबर बोलो जैसे मान लो किसी ने एंटर कर दिया 3 डिजिट का उसको नंबर करना था एंटर 89745. यूजर्स को पता नहीं था उन्होंने प्रिंट कर दिया 5 नंबर वाला चीज को एंटर कर दिया. अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यूजर्स को मैसेज दिया प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर. और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को चेंज करता हूँ. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर एनी 3 डिजिट वाला नंबर. अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा. एंटर एनी 3 डिजिट वाला नंबर एंड लेट मी रन इट. जैसे मान लो यूजर्स ने इनपुट किया 456 तो ये 3 डिजिट है सही है. 3 डिजिट है सही है ना. तो ये एरर दे रहा है. क्यों एरर दिया पता है कुछ हमने गलती किया क्या. लाइन 9 टेम्प क्या हुआ अभी नहीं तो चल रहा था. अभी तो सही चला ना. पी होगा यहाँ पे जो परसेंट 10 रिमाइंडर 10 लिखे हैं वहाँ पे. अच्छा अच्छा सॉरी TEMP. अब तो सही है ना. लेकिन पहली बार में कैसे फिर सही हो गया वो इसमें आया ही नहीं समझ गया. ठीक है प्लीज एंटर एनी 3 डिजिट वाला नंबर. मैंने 456 कर दिया. दे दिया आंसर 5. आंसर क्या दे दिया 5. तो वही चीज है. तो ये प्रोग्रामिंग समझ में आया. अब ये सही मतलब पूरा अच्छा प्रोग्राम बन गया कि मतलब 3 डिजिट का है
तो ही करेगा काम, तीन डिजिट का नहीं है तो वो एरर दे देगा, है? पहले हम लोग तुम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ यही काम कर रहे थे, बीच वाला डिजिट निकाल के दे रहे थे, ये चेक नहीं कर रहे थे कि तीन डिजिट का है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट विच टेक्स अ थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम द यूजर्स एंड डिस्प्ले ओनली इट्स फर्स्ट डिजिट। बोलो कितना आसान क्वेश्चन, इसको मैं लीव करता हूँ, है ना। असाइनमेंट 7, अच्छा ऑपरेटर्स, ये कंप्लीट ना। असाइनमेंट 8 बोलो। असाइनमेंट 6 का लास्ट बताइए ना। Assignment 6 का last, ठीक है। Write a Python script which takes the 3 digit number from the users and display only its first digit, ठीक है। तो ये इसी में बना देता हूँ, है ना, ये 3 digit वाला ही program था। तो अब पहला digit ही बोल रहा है वो show करो, तो हम क्या करेंगे, दो बार इसमें condition लगा देंगे, दो बार क्या करेंगे, divide कर देंगे। तो दो बार ये, जैसे दो बार इसमें divide करेंगे ना, दो बार जैसे डिवाइड करेंगे तो दो डिजिट को खा जाएगा, मतलब खत्म कर देगा, तो सिंगल ही बचेगा ना, सिंगल ही बचेगा, तो ये करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रिंट कर दो टेम्प, अब रन करो, एंटर एनी नंबर 456, तो एंटर करना चाहिए 4, पहला डिजिट तो 4 कर दिया, बस इतना ही अंतर है कि दो बार तुम 10 से डिवाइड करो तो कोसेंट, मान लो 456 था, तो पहला बार तुम 10 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट क्या आ जाएगा, 45, फिर तुम करोगे 10 से डिवाइड करोगे तो 45 को 10 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट क्या देगा, 4, और 5 देगा रिमाइंडर पे, तो 4 आ गया, तो 4 ही तो हमको प्रिंट करना था, हमने कर दिया प्रिंट, है ना। तो दोनों क्वेश्चंस में ज्यादा आंसर नहीं, क्या हुआ, डायरेक्ट 100 से भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट 100 बोल रहे हैं, उससे भी तो कर सकते हैं, हाँ हाँ 100 से भी कर सकते हैं, हाँ 100 से कर सकते हो, काम उसे भी हो जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट 6, ठीक है ऑपरेटर, ये काम हो गया। डिसीजन कंट्रोल आज जो पढ़ाए थे उस पे बेसिस है, तो यही हम करना चाह रहे थे आज, तो फटाफट ये करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कि राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव, है ना। चेक हमको करना कि कोई भी नंबर इनपुट किए तो वो पॉजिटिव है या फिर नॉन पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, इंट इनपुट इंटर एनी नंबर, मैंने एंटर ले ली, एंटर कर लिया, और मैं चेक करूंगा इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, जीरो से अगर यदि बड़ा हुआ तो वो क्या करेगा बताओ, प्रिंट करा दे सिंपल सा पॉजिटिव, राइट, और अगर यदि जीरो से छोटा है वो क्या करेगा बताओ, एल्स, जीरो या जीरो से छोटा है तो उसको क्या करेंगे, प्रिंट नॉन पॉजिटिव, ठीक है, मैं रन करता हूँ, एंटर एनी नंबर, मान लो -9 कर दिए, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि -9 क्या है, नेम एरर दिखा रहा है,
एन नेम एरर नेम एन कैन नॉट बी डिफाइन सॉरी यहाँ पे एक्स होगा ना अब मैं इसे रन कर रहा हूँ है ना एंटर एनी नंबर माइनस नाइन ऑन पॉजिटिव है ना ठीक है दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव और नॉट ये भी आसान ही है जिस तरीके से टू से डिविजिबल वाला चेक किए थे ना उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे है ना क्या देखेंगे x mod 5 identical to 0 हुआ हम बोलेंगे yes और अगर यदि 5 से डिविजिबल नहीं हुआ बोलेंगे no मैं रन करता हूँ है ना enter any number हमने बोला 8 तो क्या 8 से डिविजिबल है नहीं no ठीक है थर्ड क्वेश्चंस करता हूँ Write a Python script to check whether the number is even or odd. ये तो just बताया था पिछले sessions में, है ना? तो यहाँ पे सिर्फ two डाल दो. दो से divisible होगा, तो लिखेंगे yes, it is even. और अगर यदि दो से divisible नहीं होगा, तो लिखेंगे yes, it is odd. काम खत्म. मैं run करता हूँ. Enter any number 859 ये तो odd है ना तो yes it is odd ठीक है next questions write a python script to print the greater between the two number and print number only once if the both are same कर रहा है कि दो number लो user से और उन दोनों में जो बड़ा है उसी को print कराओ उन दोनों में जो बड़ा है उसी को print कराओ और मान लो दोनों अगर यदि सेम है तो एक ही बार प्रिंट कराओ यानी कि दो बार प्रिंट करा देना तो यही क्वेश्चंस बोले हैं ठीक है चलो मैं कैसे करूंगा इसे अच्छा क्वेश्चंस क्या मैं बोला अच्छा दो नंबर मुझे यूजर से लेना और दोनों में बड़ा ठीक है तो और एक नंबर ले लेते हैं x इक्वल टू इंट इनपुट इंटर एनी नंबर ठीक है अब चेक करो इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू y हुआ x अगर यदि बड़ा होगा तो प्रिंट करेंगे x else अगर यदि x बड़ा नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है प्रिंट क्या होगा y काम खत्म है रन कर रहा हूं अब बोलो कोई नंबर बोलो इंटर एनी नंबर मान लो मैंने दे दिया 15 फिर बोला इंटर एनी नंबर मैंने लो 12 तो दोनों में बड़ा कौन है 15 ना प्रिंट हो गया ठीक है नेक्स्ट राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट To print the two given words in a dictionary order. ये क्वेश्चन ठीक थोड़ा सा है मतलब मान लो डिक्शनरी में किस तरीके से वर्ड्स रहते हैं अरेंज्ड डिक्शनरी में वर्ड्स किस तरीके से रहते हैं अरेंज्ड मान लो एप्पल है ए से एप्पल बी से बॉल तो ए से शुरू है तो ए वाला पहले रहेगा बी वाला बाद में रहेगा मान लो ए वाला सेम है ए वाले में ही दो डिजिट को लो जैसे ए से एप्पल है और ए से मान लो आर्गुमेंट्स है तो डिक्शनरी में कौन पहले रहेगा पी क्यू आर ये दोनों का सेम है फिर आर देखेगा आर्गुमेंट्स मतलब आर्गुमेंट्स बाद में ही रहेगा एप्पल वर्ड्स के बाद तो डिक्शनरी में किस तरीके से रहता है वही तुमको चेक करना है कि दो वर्ड तुम यूजर से लो और चेक करो कि सबसे पहले डिक्शनरी में कौन आएगा है ना मैं बता रहा हूँ देखो यहीं पे कर लेता हूँ तो चूंकि ये वर्ड है तो इंट हमको हटाना पड़ेगा स्पीड में हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम दोनों को मुस्कुंद नहीं देखो अब मैंने क्या किया दो इनपुट ले लिया इंटर एनी वर्ड्स डाल देता हूँ ठीक है और यहाँ पे भी इनपुट एनी वर्ड्स डाल देता हूँ इनपुट एनी वर्ड्स और अगर यदि x बड़ा होगा y से तो प्रिंट करेगा x से हम ही रख देता हूँ इसको रन करके दिखाते हैं तब समझाएंगे
बोलो कोई भी नाम बोलो। जैसे मान लो अपना ही नाम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं हम दिव्यांशु का, अभी है नहीं वो, एक नाम दे देते हैं हम दिव्यांशु का, डी से शुरू हुआ है, और एक नाम ले लेते हैं हम अपना, तो दोनों में किसका नाम पहले आना चाहिए डिक्शनरी में, बोलो। दिव्यांशु का ना, आवाज नहीं आ रही है। हाँ दिव्यांशु, दिव्यांशु का एंटर किए तो दिखा दिख रहा है यहाँ पे मुझे, कार्तिक दिख रहा है ना, तो यहाँ पे डिसीजन चेंज करना पड़ेगा कि अगर यदि एक्स छोटा है वाई से तो प्रिंट करो, ठीक है, एक्स छोटा है तो प्रिंट करो एक्स, और एक्स अगर यदि छोटा, मतलब यहाँ पे तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो छोटा है तो छोटे वाले को प्रिंट करो ना पहले, तो वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ, दो वर्ड लो, इसको अभी हटाओ। अब क्या करो, अब क्या करो, चेक करो, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर यदि एक्स बाद में है और वाई पहले है तो प्रिंट कराओ पहले वाई और फिर एक्स को, और अगर यदि ऐसा नहीं है, और अगर यदि ऐसा नहीं है तो प्रिंट कराओ पहले एक्स फिर वाई। देखो अब मैं इसे रन करता हूं तो काम बन जाएगा। अब मैं लिखता हूं दिव्यांशु, इंटर सेकंड वर्ड्स, अब मैं लिखता हूं कार्तिक, देखो दिव्यांशु कार्तिक दिख गया ना, फिर से रन करके एक बार दिखाता हूं फिर समझाऊंगा। अब हम पहले लिख रहे हैं कार्तिक और लिख रहे हैं दिव्यांशु, नहीं तो बोलोगे कि पहले दिव्यांशु कर रहे थे तो दिव्यांशु आ गया तो उसमें क्या बड़ी बात है, तो हम ही अपना नाम पहले दे दिए बाद में ही देख के दिव्यांशु का, लेकिन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो दिव्यांशु का पहले आना चाहिए। देखो दिखाया वो उसी तरीके से जिस तरीके से डिक्शनरी में होना चाहिए, पहले दिव्यांशु का फिर कार्तिक है। तो ये काम कैसे किया, देखो एक तुम लोग को ऑपरेटर्स बताए थे, ऑपरेटर्स ये वाला, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग में कैसे काम करता है, ये हर एक स्ट्रिंग को देखते जाते थे, दिव्यांशु हुआ कार्तिक हुआ तो वो कंपेयर करेगा डी को के से, डी अगर यदि बड़ा है तो दिव्यांशु को ले लेगा पहले, मतलब डी बड़ा है मतलब डी छोटा है, तो उस तरीके से काम करता है, मतलब हर एक स्ट्रिंग कैरेक्टर को ये कंपेयर करते चलता है। तो मान लो कि एक्स बड़ा है, जो हम पहला वर्ड इनपुट किए हैं, मान लो दिव्यांशु पहले किए तो मान लो वो बड़ा रहता, बड़ा है तो हमको बड़ा प्रिंट पहले नहीं ना करना है, तो पहले हम किए वाई को फिर एक्स को किए, और एक्स ही पहले छोटा है तो पहले एक्स को प्रिंट करो फिर वाई को प्रिंट करो। ये प्रोग्रामिंग समझ में आया? आया ना? हाँ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू चेक वेदर द नंबर तीन डिजिट और नॉट। देखो ये वाला हम क्वेश्चंस कर दिए तुम लोग का, कब किए, इसी में चेक जो कर रहे थे, क्या बोलते हो, ये वाले पे तीन डिजिट मिडिल वाला जो निकालना था, तो उसी पे हम ये वाला क्वेश्चंस बना दिए थे कि तीन डिजिट चेक करना है कि तीन डिजिट का है तो यस नहीं तो नो, ठीक है। इसको करते हैं असाइनमेंट एट को, ठीक है, बार बार बनाना, असाइनमेंट मिल गया कभी भी टाइम मिले तो शुरू से स्टार्ट करना, बेसिक से स्टार्ट करना, लास्ट तक चले जाना। अच्छा यही तो बना रहे थे ना हम शायद, अच्छा ये नहीं बना रहे थे, इसको टाइप करने के बाद ना, ये लास्ट बचा ये करते हैं हम लोग आराम से, देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है,
Write a Python script to check whether the given number is positive, negative or zero. वहां पे एक पहले वाले असाइनमेंट में से जस्ट पहले वाले असाइनमेंट में वी नीड टू चेक ओनली पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव बट हियर यू हैव टू पुट द थ्री कंडीशन इफ इट इज पॉजिटिव देन यू हैव टू प्रिंट पॉजिटिव इफ इट इज जीरो देन यू हैव टू प्रिंट जीरो इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज यू हैव टू प्रिंट द नेगेटिव तो इसमें तीन कंडीशन लगाएंगे तो आज ही तो बताए थे तीन कंडीशन किस तरीके से लगाएंगे है ना इसको अभी हटाता हूँ एक ही नंबर की जरूरत है तो इसको हटाओ मैं तीन कंडीशन मुझे लगाना है तो कैसे करेंगे एक्स अगर यदि जीरो से बड़ा है अच्छा हटाओ इसको पूरा ही हटा देता हूँ पहला कंडीशन एक्स जीरो अगर यदि है एक्स जीरो के बराबर है तो प्रिंट करो जीरो अदरवाइज एलिफ एक वर्ड बताया था ना आज एलिफ इसमें चेक करेंगे कि क्या एक्स जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव और इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है नेगेटिव नंबर ही होगा तो प्रिंट करो नेगेटिव ठीक है हो गया काम बन गया रन करता हूँ इंटर एनी वर्ड्स तो बोलो कुछ भी प्रिंट करो मान लो जीरो ही कर देते हैं हम पहले ये दिखा रहा है एरर टाइप एरर दिखा रहा है क्यों टाइप एरर दिखा रहा है पता है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर कन्वर्ट ही नहीं किया तो वो स्ट्रिंग में ले लेता है इंट लिखना पड़ेगा ना आदमी अब रन करो इंटर एनी वर्ड्स है और चेंज करता हूँ इंटर एनी नंबर लिख देता हूँ एन यू एम बी ई आर अब मैं इसे रन कर रहा हूँ इंटर एनी नंबर मान लो यूजर्स ने इनपुट किया पहले जीरो तो पहले दिखा दिया जीरो है ठीक है अब मान लो फिर से इसे रन करता हूँ इंटर एनी नंबर मान लो 56 ये जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव ये देखो पॉजिटिव दिखा दिया और एक चेक कर लेता हूँ इंटर एनी नंबर अब मैं माइनस 96 968 नेगेटिव दिखा दिया ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू चेक वेदर द गिवन वेदर ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल और डिस्टिंक्ट ये इमेज ने रूट वाला याद है किसी को 12 11 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते थे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac याद है या नहीं बताओ यही बोला था शिवा का आवाज लग रहा है क्या हाँ मेरा ही आवाज है अच्छा कब आ गए तुम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था अच्छा अच्छा कोई बात नहीं इवन अभी भी बहुत प्रोग्रामिंग करेंगे टेंशन मत लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालता था जस्ट एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ मान लो कोई इक्वेशन दिया गया है ना इक्वेशन दिया गया था सबसे पहले डी निकालते थे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी अगर यदि जीरो से बड़ा होता था अगर यदि वो जीरो से बड़ा होता था तो रियल रूट्स जीरो के बराबर होता था तो इक्वल रूट्स और लेस देन जीरो रहता था इमेजिनरी रूट्स हमको बस इतना ही बताना है तो तीन कंडीशन हमको चेक करना है ना तो यहाँ पे आएंगे अपना पाइथन के पे आएंगे लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाएगा कैसे तो अब तुम यूजर्स को बोलोगे इंटर दी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्योंकि अब तुमको तीन ही चीज की जरूरत है ना ए बी सी मतलब कॉफी बी कैसे निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी ए सी ए बी सी ये सब क्या कोफिशियंट ही तो है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए एक्स का कोफिशियंट बी और कॉन्स्टेंट वाले को सी बोलते थे हम लोग बचपन में लेकिन यहाँ पे चलो इंटर द कोफिशियंट ऑफ व्हाट यहाँ पे बोलोगे एक्स स्क्वायर x पे पावर स्क्वायर तो यूजर्स को समझ में आएगा नहीं भाई हमको कोफिशियंट ही सिर्फ डालना है ना
फिर y इक्वल टू एंड इनपुट एंटर एंटर द कोफिशियंट एंटर द कोफिशियंट ऑफ व्हाट x x के कोफिशियंट को एंटर करो और लास्टली हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डबल कोटेशन छोड़ दिया था ठीक है और लास्टली हम यूजर्स को बोलेंगे z इक्वल टू एंटर करो तीन चीज हमको चाहिए ना d निकालने के लिए एबीसी की वैल्यू इंटर अ कांस्टेंट पार्ट इतना चीज की जरूरत है d निकालने के लिए इतना चीज की जरूरत है मुझे किस चीज की d निकालने के लिए अब देखो क्या करते हैं हम अब d इक्वल टू अब क्या करेंगे d इक्वल टू बताओ क्या फॉर्मूला था b स्क्वायर b इक्वल टू माइनस 4ac हाँ ठीक है तो b स्क्वायर कैसे होगा देखो b कहाँ पे गया है x y वाले पे b गया है ना जो कुछ भी हम एंटर किए x का कोफिशिएंट को b बोलते थे वो चले गया y पे तो हम क्या करेंगे b स्क्वायर मतलब y इंटू y दो बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको ब्रैकेट में ले लो हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस साइन लगा दूंगा डबल मल्टीप्लाई होगा ए सी क्या वाई टू वाई डबल हाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर इंटू ए किसमें गया एक्स में गया है ना फोर अच्छा इसको ए बी सी ही कर दो यार इतना कंफ्यूजन होगा इसको कर दो ए इसको कर दो बी काम खत्म हो जाएगा और इसको कर दो सी अब आसान हो जाएगा अब d इक्वल टू बी स्क्वायर तो b इंटू बी कर दो 4 इंटू ए इंटू सी मैथ जैसा a इंटू नहीं लिख देना इंटू का साइन इसमें कुछ अलग रहता है ना? ये इस तरीके से इंटू नहीं ये नहीं कर देना 4ac एरर दे देगा वो थोड़ी ना समझता है ये मैथ है तो यहाँ पे इंटू का साइन तुमको देना पड़ेगा बोल से वो मैथ जैसा नहीं लिख देना डॉक्टर जैसा इसको भी ले लो किस पे ब्रैकेट पे काम खत्म और अब चेक करो तुम इफ डी ग्रेटर देन अगर यदि जीरो हुआ पहले इक्वल टू लिखो डी इक्वल टू जीरो हुआ तो प्रिंट कराओ इक्वल रूट्स तुम लोग एग्जांपल याद रखना क्या क्या डालूंगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखो अपने माइंड में पूछूंगा भी इक्वल रूट्स और एक कंडीशन चेक कर डालो अगर यदि जीरो के बराबर डी नहीं है तो एलिफ बताए थे डी ग्रेटर देन जीरो है यू विल प्रिंट व्हाट रियल रूट्स यू विल प्रिंट व्हाट रियल रूट्स और ये दोनों में कुछ नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात है इमेजिनरी रूट्स ही होगा ना तो यू विल प्रिंट व्हाट यू विल प्रिंट इमेजिनरी रूट्स बन गया मेरा प्रोग्राम तो अब मुझे पहले एग्जांपल तुम लोग पहले से रखो एग्जांपल तब ना मजा आएगा रन करने में बोलो किसी को एग्जांपल है माइंड में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो जिसका तुमको आंसर पहले से पता हो ये रियल रूट्स होगा इमेजिनरी रूट्स होगा यशोदा तुम ही बोलो कुछ एग्जांपल है याद मन में क्वाड्रेटिक आंसर हाँ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो जिसका कि रूट तुमको पता हो या फिर बोलो कि उसका रूट्स इमेजिनरी होगा इक्वल रूट्स होगा ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर कुछ बोलो एग्जांपल कुछ मुझे पता नहीं नेट से सर्च करो ना एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 तो इसका 3. क्या रूट्स आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए रियल रूट्स ना रियल रूट इसका तुम्हारा रियल रूट्स आना चाहिए अब एक इमेजिनरी वाला एग्जांपल बोल के रखो ये चेक करेंगे
जिसका इमेज टू टू को लो ना, इमेजरी रूट कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ और ले लेता हूँ प्लस फोर एक्स और प्लस फोर, देखो इसका टू टू ही होगा ना, हाँ होना तो चाहिए, रियल रूट्स होना चाहिए, इक्वल रूट्स, सही लिखे है ना, बार चेक कर लो, एक्स स्क्वायर फोर एक्स और प्लस फोर, इसका कितना रूट्स आएगा, इक्वल ही तो आएगा, दो और दो आएगा, दो और दो आएगा, माइनस कुछ ऐसा इक्वल ही आएगा हमको लग रहा है, प्लस फाइव एक आएगा माइनस टू और एक सिर्फ माइनस टू ही आएगा इसका रूट, हाँ माइनस टू और माइनस टू आएगा, इक्वल ही रूट्स हुआ ना वो, तो ये दो को पहले चेक करके देखते हैं, तो देखो x का पहले वाले का कोफिशिएंट क्या है, टू फिर फाइव और माइनस थ्री है, तो ये चीज डालेंगे तो हमको दिखाना चाहिए आंसर रियल रूट्स, तो चलो इसको रन करके देखो, ये प्रोग्राम था हमने रन किया, पहले ही गलती दिखा दिया हमारे प्रोग्राम में, इक्वल टू आइडेंटिकल टू होगा, इक्वल टू नहीं लिखते, अब रन करता हूँ, है ना, तो ये तुमको बोल रहा है एंटर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मेरा कोफिशिएंट पहले का क्या था टू, चलो टू कर दिया, अब बोल रहा है एंटर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या था फाइव ना, चलो फाइव डाल दो, अरे ये आ क्यों नहीं रहा है, पूरा फुल हो गया, रुको फिर से डिलीट, रन करता हूँ फिर से, हाँ अब ट्रेस हो गया, एंटर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू, एंटर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइव, एंटर द कांस्टेंट पार्ट माइनस थ्री, रियल रूट्स, तो ये प्रोग्राम बन गया, फिर से मैं रन कर रहा हूँ, एंटर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस बार ये वाला अपना इक्वल रूट्स वाला दे रहा हूँ, वन एक्स का कोफिशिएंट क्या है फोर और कांस्टेंट पार्ट क्या है फोर, इक्वल रूट्स, ये समझ में आया प्रोग्राम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू चेक वेदर द गिवन लीप गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, जस्ट बोलो ये बनाया कि नहीं, पिछले सेशंस में ही तो बनाया है लीप ईयर वाला, है ना, पहले क्या करते थे सेंचुरी ईयर वाला चेक करते थे, और सेंचुरी ईयर नहीं है तो सिंपल वाला चीज चेक करते थे, है ना, बना ही देता हूं, ये सब क्वेश्चंस को बार बार बनाओ, ठीक है, एक्स इक्वल टू इनपुट, इसको लीव करता हूं, है ना, ये बनाया था पिछले सेशंस में, सारे लोग थे ही पिछले सेशन में, नेक्स्ट राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट द ग्रेटर अमंग द थ्री नंबर एंड प्रिंट द नंबर ओनली वंस इफ द नंबर इज सेम, अब तुम्हें कह रहा है कि तीन नंबर्स लो यूजर्स को और तीन नंबर में जो सबसे बड़ा उसी को प्रिंट कराओ, है ना, ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है, तो इसको करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ये भेज देता हूं ये वाला, ओके ठीक है, तो हमें क्या करना है कि तीन नंबर यूजर से पहले लेना है, तो लो int input enter any number, enter first number, enter first number, right, enter first number, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करते चलता हूँ, अब नाम अलग अलग दे दो, पहले एक्स था उसको ए दे दो, उसको बी दे दो सेकंड नंबर को, और इसको दे दो क्या सी दे दो, है ना, अब कंडीशन लगाओ, मैं लगा रहा हूँ इफ इफ ए अगर यदि बी से बड़ा है, ए अगर यदि बी से बड़ा है, देखो तीन नंबर में बड़ा कैसे निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर आके फिर से चेक करो, ए से तो बड़ा हो ही गया, ए बी से तो बड़ा हो ही गया, अब मुझे चेक कंपैरिजन किससे करना है, सी से ही ना, तो अब मैं यहाँ फिर से चेक करूंगा कि
कि क्या ए ए बी से तो बड़ा था, सी से भी बड़ा है। अगर यदि सी से भी बड़ा है तो प्रिंट करो किसको, ए बी से बड़ा पहले ही था, अब उसके अंदर आके फिर चेक कर रहे हैं कि क्या ए सी से भी बड़ा है, तो बोला हाँ। अगर यदि हाँ तो प्रिंट करो ए, और अगर यदि ये कंडीशन सही नहीं होता, ए अगर यदि सी ए बी से तो बड़ा होता लेकिन जब हम सी से कंपेयर करते सी बड़ा हो जाता, तो एल्स करके हम क्या करते प्रिंट करो सी। ठीक है, सबसे पहले ए को कंपेयर किए बी से, तो दिख गया कि ए अगर यदि बी से बड़ा है तो ये वाला काम करेंगे। इस वाले के काम में क्या है, तो बी से बड़ा है तो सी से कंपेयर करेंगे, सी से अगर यदि बड़ा है तो ए बड़ा हो गया, है ना, बी से तो पहले ही बड़ा था, अब सी से भी बड़ा हो गया तो ए ही बड़ा हो गया सबसे ना, और अगर यदि सी से बड़ा नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात है सी सबसे बड़ा है और बी तो पहले ही ऊपर में ही छोट मतलब हो गया था कम। लेकिन जैसे ही ए को बी से कंपेयर शुरू में ही किए थे, क्या पता बी वाला ही बड़ा हो, है ना, तो वो कंडीशन लिखेंगे एल्स में, वो कंडीशन कहां लिखेंगे एल्स में। तो अगर यदि बी बड़ा होगा तो स्वाभाविक सी बात है ए उससे छोटा ही होगा ना, तभी तो ये कंडीशन फॉल्स होकर इसमें आया, तो ए से अब कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अब क्या करूंगा, अब सिर्फ कंपेयर किससे करूंगा इसके अंदर, इफ इफ बी ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा है, और अगर यदि ऐसा है तो आप प्रिंट करो, आप प्रिंट करो किसको, बी को, ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू प्रिंट व्हाट सी। चलिए मेरा प्रोग्राम बन गया और मैं रन करके दिखाता हूं, एंटर फर्स्ट नंबर, बोलो शिवा। टू। सेकंड नंबर बोलो। फाइव। थर्ड नंबर बोलो। अरे फर्स्ट 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 ही लिखा रहा है, अरे चलो वो मेरा गलती है, थर्ड नंबर बोलो इसे। सिक्स। सिक्स, तो तीनों में बड़ा कौन है, सिक्स ना, तो सिक्स दिखना चाहिए था ना, सिक्स दिख गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और प्रोग्रामिंग को चेंज करता हूँ, यहाँ फर्स्ट था तो यहाँ सेकंड, और इसको कर देता हूँ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है इसलिए थोड़ा सा एक बार और समझाऊंगा, एक बार फिर से रन करता हूँ। ठीक है, पहला नंबर मान लो, पहला नंबर 74 दे दिया, दूसरा नंबर 54 दे दिया, और थर्ड नंबर मान लो 56 दे दिया, तीनों में बड़ा 74 है तो 74 दिख गया, ये देखो काम कैसे गया। तो मान लो तीनों नंबर का इनपुट किए और सबसे पहले पहला नंबर को चेक किए दूसरे इस वाले से, तो पहला नंबर को ए को कंपेयर किए बी से, और अगर यदि ये चीज सही हुआ, ए अगर यदि बी से बड़ा हो गया, तो अब ए को किससे कंपेयर करने की जरूरत है, सी से ही ना, ए अगर यदि पहले बी से बड़ा हो गया, देख लिया चेक कर लिया, अगर यदि यस हाँ बी से बड़ा है, तो अब ए सोचा कि चलो सी से भी कंपेयर कर लेते हैं, और सी से भी अगर यदि हम बड़ा हो गए तो सबसे बड़ा हो गए, तो ए पहले बी से चेक किया, देखा बड़ा हो गया, अब वो कंपेयर किया सी से, तो सी से जैसे ही कंपेयर यहाँ पे कर रहा है तो उसको दिख गया कि नहीं सी से भी बड़ा है, तो ही प्रिंट करेगा तो ही सबसे बड़ा होगा ना, और अगर यदि सी उससे बड़ा हो गया तो सी हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, तो ए पहले कंपेयर कर रहा था बी से, अगर तीनों नंबर इक्वल हुआ तो, तीनों इक्वल नंबर पुट किए तो, तीनों नंबर इक्वल हो तो, हम एक बार इसी को रन करके दिखाते हैं, है ना, तीनों नंबर इक्वल ही ले लो, जैसे फोर ले लो, फोर ले लो, फोर ले लो, अब देखो कि क्या करता है कंपाइलर, फोर ही दे दिया, फोर 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 ही दे दिया ये। ठीक है, तो सेम रहा, तो ये कुछ किया ही नहीं, ये एक ही प्रिंट कर दिया फोर। ठीक है, इलिप का यूज कहाँ करते हैं, इतना बार आप इफ इफ कंडीशन दिए हैं तो, एलिप का यूज करते हैं जहां तुमको ज्यादा बहुत सारा डिसीजन लेना हो, जैसे कि एक प्रोग्रामिंग किए थे ना पिछले क्लास में संडे मंडे वाला, तो उसमें देखो कितना बार हमको डिसीजन ले रहा है, पहले हम चेक कर रहे थे कि क्या वो जीरो है तो संडे प्रिंट कर रहे थे, क्या वो वन है तो मंडे प्रिंट कर रहे थे, तुमको बहुत सारा डिसीजन लेना पड़े तो एलिप लगा के करो। यहाँ पे हमको डिसीजन लेना तो पड़ रहा है बहुत बार,
लेकिन एक ही डिसीजन के अंदर हम एक छोटा वाला डिसीजन ले रहे हैं और दूसरे डिसीजन के अंदर फिर छोटा सा डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा प्रोग्रामिंग करते करते ही आएगा, दो बार करो, तीन बार करो, समझने की कोशिश करो, हम बस एक्सप्लेन ही कर सकते हैं, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करना, एक बार में आएगा नहीं, हम पहले ही बोल रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस करो, है ना। ये एलिफ का समझे कहानी, एलिफ कहाँ यूज करते हैं उसको। हेलो एलिफ समझे, जहां तुमको मल्टीपल डिसीजन लेना हो वहां पे। एग्जांपल दीजिए ना। एग्जांपल वही संडे मंडे वाला ले लो ना, करके दिखाऊं। पिछले सेशन में लिए थे ना एक संडे मंडे वाला, कि मान लो जीरो इनपुट करेगा तो संडे देगा, तो वन इनपुट करेगा तो मंडे देगा, टू इनपुट करेगा तो ट्यूसडे देगा। तो उन सब में हम क्या करते थे कि हर एक बार बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता। तो पहला कंडीशन क्या था, पहला डिसीजन ये लेते थे कि अगर यदि जीरो के बराबर हुआ तो प्रिंट करो संडे। फिर दूसरा कंडीशन, दो ही कंडीशन नहीं था, फिर दूसरा कंडीशन लिखते थे क्या वन के बराबर है तो मंडे, टू के बराबर ट्यूसडे। देखो सात बार तुमको चेक करना है, सात बार तुमको डिसीजन लेना पड़ रहा है, इसीलिए वहां एलिफ 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 लगा के काम करते थे। समझे कि नहीं? मस्कुन? देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस टाइप का मैं कर ही दूंगा। रुको, ये लीप ईयर वाला हो गया, ग्रेटेस्ट वाला हो गया, पांच नंबर देखते हैं, फाइव नंबर। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू टैग द मंथ वैल्यू इन द न्यूमेरिक फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डे। देखो तुम्हारा ही क्वेश्चन आ गया, इसमें एलिफ एल्स वाला ही काम करेंगे। इसमें बोल रहा है कि जैसे साल में 12 मंथ्स होते हैं ना, तो 12 मंथ्स पहला मंथ अगर यदि वन इनपुट कराऊं तो मुझे जनवरी प्रिंट होना चाहिए, दो तो फरवरी, तीन तो मार्च। तो वो क्वेश्चन जो अभी मुस्कुंद पूछा था क्वेश्चन, तो उस पे वो वाला पे बन जाएगा, है ना। तो इसी में बना देता हूँ, ये मैं इसको डिलीट किया। तो यहाँ पे मैं बोल दिया यूजर्स को इंटर एनी नंबर, यूजर्स कोई नंबर एंटर करेगा। और मैं अब इसे क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इफ ए आइडेंटिकल टू वन, अगर यदि वन के बराबर है तो प्रिंट करो व्हाट, जनवरी। मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ और कॉपी और बारह बार इसे मैं पेस्ट करूंगा। अरे क्या परेशानी है, ठीक है। देखो अब एलिफ एलिफ लगाते चलो सब में। If A equal to 1 था तो जनवरी था, अब यहाँ पे A equal to 2 करते थे, यहाँ फरवरी कर देते हैं। FEB लिखता हूँ, फरवरी के बाद मार्च लिखता हूँ, फिर अप्रैल, मई और जून। जून के बाद क्या, टाइम हुआ, अरे अच्छे बस गया, जून के बाद जुलाई, और ए इक्वल टू टू था, थ्री करता हूँ, फोर करता हूँ, फाइव करता हूँ, सिक्स करता हूँ, फाइनली यहाँ पे सेवन करता हूँ। और भी मुझे जरूरत है ना, सेवन के बाद 12 महीने होते हैं ना, तो वो करना पड़ेगा, और थोड़ा दूर है, वेट ही कर लो, कॉपी पेस्ट करने दो आराम से। आगे कोड समझ में आनी चाहिए, एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा वैसे।
बोलना अगर जी बारह बारह हो जाएगा तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए ये और दिसंबर के लिए है ना ये और जुलाई के बाद क्या होता है बताओ अगस्त ए यू जी लिख दो अगस्त के बाद सितंबर सितंबर के बाद अक्टूबर अक्टूबर के बाद एनओवी नवंबर लेकिन इसमें ब्रैकेट मेरा छूट गया तो डाल दो नवंबर और नवंबर के बाद क्या दिसंबर और सब में एलिफ लगाओ एल थोड़ा सा बड़ा है इतने टाइम्स मैंने डिसीजन को चेंज किया ए वन के बराबर है तो ये करेगा दूसरा डिसीजन ये नहीं हुआ तो दूसरा डिसीजन लो तो इतने टाइम्स डिसीजन ले रहा मैं और फाइनली अगर यदि ये भी सॉरी सॉरी सेवन यहाँ पे करो एट बाकी यहाँ पे करो नाइन यहाँ पे करो टेन अलेवन और ट्वेल्व और अगर यदि इनमें से कुछ भी ना हो इनमें से अगर यदि कुछ भी नहीं हो तो उसके लिए भी एक लिखो है ना एल्स और लास्ट में हम उसको क्या बोल देंगे अगर यदि वो 12 के कुछ बाहर दिया तो उसको बोलो कि प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर चलो ऐसे बस रन करके दिखाता हूं एंटर एनी नंबर तो मान लो हमने एंटर किया 12 तो दिसंबर होना चाहिए था ये दिखा दिया डीईसी दिसंबर तो ये काम कैसे किया देखो अब सबसे पहले ये इनपुट करा है मैंने कोई भी नंबर ये पहला चेक किया वन वन के बराबर होता तो जनवरी नहीं होता तो फिर से चेक करो दूसरा चीज तो ये चेक किया कि क्या दो के बराबर है दो के बराबर होता तो फरवरी दो के बराबर नहीं हुआ तो फिर चेक करेगा तीन के बराबर है फोर के बराबर है तो बहुत बार तुमको डिसीजन लेना पड़ रहा तो जब सेवरल मल्टीपल डिसीजन इफ यू हैव टू टेक देन यू विल यूज व्हाट इफ एलिफ एल्स तो इस तरीके से वो काम किया ठीक है मुस्कुन समझ आया मुस्कुन ये वाला कि नहीं हाँ हाँ ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चंस देखो और क्या क्वेश्चंस है राइट अ 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द यूजर्स एंड डिस्प्ले फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या देता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है ना तो उन दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में जस्ट अ मिनट लेट मी रीड द मैसेज तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में तुमको कंपेयर करना और ग्रेटर जो बड़ा होगा वो प्रिंट कराना है तो इसके लिए एक फंक्शन ही आता है ये सिंपल करके ही दिखा देता हूँ ये वाला सेशन ना फिर से तुम लोग रिकॉर्डिंग सुनना इट विल बी बेटर फॉर यू हाउ टू सॉल्व और जिसको समझ में आ गया बस प्रैक्टिस कर लेना है ना जहाँ दिक्कत हो वहीं पर सिर्फ देखना तो फिर पूछ लेना मेरे से ही ना डायरेक्ट क्या ही दिक्कत है ये वाला तो भेज दिया मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ देखो तो हमने x इक्वल टू अरे कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लिया और इनपुट करने बोला इंटर अ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है इंटर अ कॉम्प्लेक्स नंबर
चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंटर किया, तो एक फंक्शन आता है, भूल रहा हूं, लेके करके देखते हैं। इफ इफ कौन मैसेज किया भाई, हेलो दिस इज द विथ कोलेबरेशन इसल आईआईटी हैदराबाद, ये सबको डाटा मिलता कहाँ है फालतू का, मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, इफ कॉम्प्लेक्स इनपुट इंटर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक फंक्शन आता है रियल डॉट एक्स करके, मतलब एक्स में इनपुट क्या होगा ना, तो रियल डॉट हमको पता नहीं, हम चेक कर रहे हैं बस, रियल डॉट रियल डॉट एक्स, ये अगर यदि बड़ा हुआ किसे आई एम ए जी इमेजनरी के लिए होता है इमेज डॉट एक्स, पता नहीं सही होगा या नहीं, देख लेते हैं, रियल डॉट एक्स मतलब रियल नंबर होगा, इमेज डॉट एक्स कुछ बोल रहे हो क्या, तो इमेजनरी वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है। क्या क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना, क्वेश्चन ये है कि एक रियल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखता है, मान लो 4+5i, याद करो 12 और 11 में इसी तरह से तो दिखता था कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, 4+ii, तो तुम्हें चेक करना है कि 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट में रियल पार्ट बड़ा है या इमेजनरी पार्ट बड़ा है, तो यही क्वेश्चन है। तो देखो, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स में ले लिया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को प्रिंट करने के लिए शायद अभी चेक कर लेंगे, x होता है इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस करने के लिए img.x होता है, अब रियल पार्ट बड़ा है तो यहां पे क्या प्रिंट करा दो real.x, ठीक है, और अगर ये चीज नहीं होगा व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट image.x करके देखते हैं, मुझे पता नहीं गलत हो या सही, एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो 4+5, यहाँ पे आई नहीं लिखते जे भी लिखते हैं, ये एरर दे रहा है, इसको पता ही नहीं कि एरर रियल क्या होता है, लेट मी चेक, एक बार मुझे चेक करने भूल गया हूँ, है ना, चेक करके बताता हूँ, गूगल में मिलना चाहिए, ये तो तुम लोग भी बता सकते हो अगर यदि कुछ है माइंड में, तो ये सोचा तुम्हें पता है क्या, ये रियल और कॉम्प्लेक्स वाला नहीं किया, अच्छा रियल डॉट एक्स डॉट क्यों दिए, ये रुको मैं बता रहा हूँ, पहले सही तो हो जाए, एक बार मैं इस किया था, मैं बोल रहा हूँ, लेट मी शो HM, ओके, अरे मैं डिलीट करने का आदत मुझे है ना, सारा चीज डिलीट कर देता हूँ, ओके जेड डॉट रियल ऐसा है क्या, जस्ट उल्टा है इसका क्या, देख लेता हूँ, एक्स डॉट रियल और यहाँ पे है एक्स डॉट आई एम ए डी एक्स डॉट रियल, यहाँ पे हाँ एक्स डॉट रियल वही होगा, और एक्स डॉट इमेज, गुड, चेक करके देखता हूँ,
इंटर एनी नंबर, 4 प्लस 3 जे करता हूं तो बड़ा है 4, तो 4 प्रिंट होना चाहिए, 4 हो गया प्रिंट, इस बार काम कर लिया। देखो कैसे ये काम करता है, x डॉट रियल से रियल पार्ट एक्सेस हो जाएगा और x डॉट इमेज से इमेजनरी पार्ट एक्सेस हो जाएगा। तो ये चेक किया कि रियल पार्ट बड़ा है या इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट बड़ा है तो ये रियल पार्ट को प्रिंट कराओ और रियल पार्ट बड़ा नहीं होगा तो इमेजनरी पार्ट को बड़ा करो। ये फंक्शंस होता है, x डॉट रियल मतलब डॉट लगा के रियल पार्ट को एक्सेस किए, और डॉट एक ऑपरेटर है जो कि एक्सेस करने पे काम देता है किसी भी चीज को। तो x के रियल पार्ट को मुझे एक्सेस करना, तो x डॉट लगाए और रियल यहाँ पे लिख दिए, और फिर एक्सेस करना इमेजनरी वाले को, तो डॉट ऑपरेटर एक्सेस करने पे हेल्प करता है मुझे ज्यादातर। तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पे एक्सेस करना है तो डॉट लगा के आई इमेज ही लिख दिया, है ना, ये काम कर गया। ये बहुत अच्छा है, एक मतलब क्या बोल सकते हो, मैं इसे भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस करना कभी। ओके ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ अ 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर्स और डिस्प्ले करो पास है पास हुआ वो बच्चा या फेल हुआ, ये कौन बड़ी बात है, है ना। 5 नंबर, 5 वेरिएबल बनाएंगे, 5 मार्क्स लेंगे, कितना कितना आया सब्जेक्ट में, एंड सबको डिवाइड कर जोड़ लेंगे, है ना। और अगर यदि वो 60% से ऊपर होगा, कंडीशन लगाएंगे कि 60% से 60% से ऊपर है तो वो पास है, अदरवाइज फेल है। तो 7 नंबर करने की जरूरत है मुझे क्या, नहीं आया ना, नहीं बिल्कुल। अब मुझे बताओ और क्वेश्चंस करना चाहोगे या नहीं, मतलब आज लीव करना है तो करना चाहोगे तो और भी करा सकता हूँ, और नहीं करना चाहोगे तो फिर लीव कर दूंगा सारा। देखो असाइनमेंट 1 to 8 में कर दिया, डाउट है तो किसी में पूछ लो आराम से। असाइनमेंट 1 to 8 गया, अब तुम लोग पूरा बनाओ असाइनमेंट 1 to 8। दिक्कत हो तो ग्रुप में आंसर है, वहां भी आंसर नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। और क्वेश्चंस कराऊं या छोड़ दूं आज, बस हो गया। हाँ आज अब बस ही करता हूँ, ठीक ही है, जस्ट वेट। चलो इसी में अच्छा अच्छा एक चीज लेट मी शो यू। अरे यार डिलीट कर दिया, छोड़ किसी दूसरे दिन दिखाएंगे। ओके देन आज के लिए इतना ही रखो, बाकी एग्जिट कर रहा हूँ। ओके बाय।